नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अब गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में शुक्रवार से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी और इस वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अतिरिक्त टीकाकरण कक्ष, निगरानी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, मेडिकल ऑफिसर की ओर से निगरानी की व्यवस्था होगी। सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक टीकाकरण होगा। दरअसल शुरुआत में गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण से दूर रखा गया था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हरी झंडी के बाद अब इसे गर्भवती महिलाओं को भी लगाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो गर्भवती महिलाओं को भी अब टीका लगेगा। हालांकि पहले देश में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है। एक गाइडलाइन भी जारी की गई है और उसको पालन करवाया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, आप भी सुनिए। आपने आज देखा होगा, पढ़ा होगा वैक्सीन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी जो प्रसूता माएँ हैं उनको 20 लाख वैक्सीन लगाएंगे। अब स्वाभाविक रूप से जब किसी हम नए अभियान की तैयारी करते हैं तो ध्यान उधर की तरफ लगाते हैं। नहीं वैक्सीन लग पाएगी। हालांकि कई तरह की भ्रांतियां भी है कि महिलाओं में पहले जो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था अब उसको लेकर के वैक्सीनेशन के लिए बात कही गई है। दरअसल इसके लिए ICMR की ओर से हाल ही में एक स्टडी जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से पहली लहर के मुकाबले जो दूसरी लहर थी उसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे ज्यादा शिकार हुए। और आशंका यह भी है कि आने वाली जो लहर है जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, यानी कि तीसरी लहर खासतौर पर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की है, हरी झंडी इस बात को लेकर के दी है कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की कोई परेशानी इससे नहीं होती है, बल्कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की शुरुआत की गई है। तो अब गर्भवती महिलाओं को भी देश में टीके लगेंगे। मंत्रालय ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैक्सीन लगाने वालों के लिए एक फैक्ट शीट तैयार की है। इस फैक्ट शीट में कई जरूरी सावधानियों की बात कही गई है। बताया गया है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि किसी तरह की भ्रांतियों में नहीं पड़े, क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि गर्भवती महिलाएं अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं और इसके इंतजाम भी किए गए हैं कि आखिरकार तमाम जगहों पर जब गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, निगरानी कक्ष बनाया गया है। अगर किसी तरह का कोई परेशानी, घबराहट आती है तो उसके लिए भी एक डॉक्टरों का पैनल तैयार रहेगा जो जांच करेगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने काउंसलिंग प्रेग्नेंट वीमेन फॉर कोविड-19 वैक्सीन एक गाइड बुक जारी की है। इसमें गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। गाइड बुक को विशेष रूप से फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैक्सीनेटर के लिए तैयार किया गया है। इसकी मदद से वह गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण से संबंधित सही सलाह देकर टीकाकरण करने के लिए प्रेरित कर सकें। तो मंत्रालय ने इस गाइड बुक के जरिए यह बताया है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण का खतरा है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षण दिख सकते हैं। हल्के लक्षणों के बावजूद संक्रमण से उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, जो गर्भस्थ शिशु की सेहत पर खराब असर डाल सकता है। गर्भवती को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण की सलाह दी जाती है। सिम्प्टोमेटिक गर्भवती को मौत का खतरा भी है, यानी कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनमें कोरोना का संक्रमण होता है और सिम्टम्स आते हैं, ऐसी महिलाओं को खतरा ज़्यादा है। गाइडबुक में ये बताया गया है सरकार की कि किसी भी अस्पताल में भर्ती हुई ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं में कोरोना का गंभीर संक्रमण पाया गया है। सिम्टोमेटिक कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं को मौत का खतरा बना रहता है, इसलिए उन्हें अन्य मरीजों की तरह ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाना जरूरी होता है। गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिनको मोटापा, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ की शिकायत है, उन्हें संक्रमण का जोखिम और उससे पैदा होने वाली जटिलताओं की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ ये सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की
व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन हो सके, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हम उन्हें सबसे पहले बचा सकें, क्योंकि ये सामने आया है कि आमतौर पर कि गर्भवती महिला को अगर कोरोना पॉजिटिव होती है, अगर उनको वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ होगा, उनको टीका नहीं लगा होगा, तो उनके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अगर आप टीका लगवाती हैं गर्भवती महिलाएं, तो बच्चों को हम इससे बचा सकते हैं, महिलाओं को भी बचा सकते हैं, और ख़ासतौर पर हम उनको और ज़्यादा बेहतर केयर दे सकते हैं। इसीलिए लगातार सरकार की कोशिश है कि सभी वैक्सीन लगवाएं, ख़ासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 23 जुलाई से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए हो रही है। इतने दिन तक पहले गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए तमाम तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को लेकर के पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, गर्भवती महिलाओं को भी अब टीका लगेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 लाख गर्भवती महिलाओं को 23 जुलाई से कोरोना का टीका लगेगा। 20 लाख गर्भवती महिलाएं हैं, बड़ी संख्या है, और उसी को एहतियात को ध्यान में रखते हुए, संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार के प्रयास कोशिशें भी उसी तरह से हैं। गर्भवती महिलाओं को कोरोना से बचाव का टीका शुक्रवार से लगेगा, ये दुष्प्रभाव नहीं हो, उन्हें सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी। टीका लगवाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जिन सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की जा रही है, वहीं पर ये टीका लगेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है जान लेना कि गर्भवती महिलाओं को टीका कहाँ लगेगा, तो जहाँ पर गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, जहाँ पर उन्हें सामान्य टीके लगाए जाते हैं, वहीं पर उनके लिए कोविड-19 के टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी अस्पताल में उन्हें भीड़ से बचाने की व्यवस्था की गई है। आप ये सोच करके मत घबराइए कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होगी, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है कि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जब सरकारी केंद्र पर महिला पहुँचेगी, उनके बैठने की व्यवस्था होगी, इंतज़ार करने की व्यवस्था होगी, उनको जांच करने की व्यवस्था होगी, और उसके बाद ही टीकाकरण होगा। तो ऐसे में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टीका लगाना बेहद ज़रूरी है, और आप भी अपने नज़दीकी अस्पताल जाकर के टीका लगाएं। किसी तरह के अफवाहों से ज़रूर बचें, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें इस वक्त चल भी रही हैं, और ये समाज के अंतिम पायदान तक भी पहुंची हुई हैं कि अलग अलग तरह की अफवाहें हैं कि टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी तरह से जाँच परख करके और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तभी इसे हरी झंडी दी गई है कि टीका लगाना पूरी तरह से सुरक्षित है। बल्कि गर्भवती महिला अगर बिना टीका लगाए हुए होगी और उसको कोरोना से संक्रमण उसको हो गया, तो उसकी जान को भी खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाएं समय पर जाकर के अपना टीकाकरण करवा लें। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 20 लाख गर्भवती महिलाएं हैं जिनको 23 जुलाई से कोरोना का टीका लगेगा। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में ये टीका लगाया जाएगा, प्रसव पूर्व जांच जहां पर हो रही है महिला की, वहीं पर महिला को टीका लगेगा। भीड़ से बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी तरह का उनको संक्रमण का खतरा नहीं हो। तो गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए ANM और स्टाफ नर्सों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो चलिए आज गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को लेकर के ही हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, शत्रुघ्न दहिया जिला टीकाकरण अधिकारी जबलपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमान जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी लेते रहेंगे, लेकिन दहिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। डॉक्टर संजय मेहरोत्रा टीकाकरण अधिकारी जुड़ रहे हैं, रेखा शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर आ गई हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अनुराधा सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप भी स्क्रीन पर आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले शत्रुघ्न दहिया साहब, मैं आपके पास आता हुआ और सवाल यही कि इतने दिन तक हम गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण नहीं करवा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब गाइडलाइन जारी की गई है, क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरीके से इस टीकाकरण को आप आगे बढ़ाएंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर SS दहिया जी। जैसा कि आपको मालूम है, हम 16 जनवरी से लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं, और पहला शुरू में कंट्राइंडिकेशन था गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग वुमेन,
जिसको 100 पत्रों से और टीम द्वारा बताया गया कि इन सबको भी लगाया जा सकता है कोरोना का टीका। तो लैक्टेटिंग वुमेन को पहले ही चालू हो गया था, गर्भवती महिलाओं का हमारा अभियान जो शुरू हो रहा है 23 तारीख को, जिसको हमने अभी हेडक्वार्टर मतलब डीएच में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और सीएससी में चालू कर रहे हैं। जौनपुर का देखा जाए तो हमने मेडिकल कॉलेज में और एल्गिन हॉस्पिटल हमारा है और सिविल हॉस्पिटल रांची में चालू किया जाएगा जी, और सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर जो अपने रहेंगे एसपी वहां पर चालू किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है जी। शत्रुघ्न साहब, तैयारियां कर ली गई हैं लेकिन चुनौतियां कई होंगी आपके सामने, और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो करीब 20 लाख गर्भवती महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण हमारे को तीसरी लहर से पहले करना है, उस पर मैं आपके पास आता हूं। लेकिन डॉक्टर आराधना सिंह भी हमारे साथ हैं। आराधना जी, क्या चुनौतियां आप मान रही हैं, क्योंकि पहले हम टीका नहीं लगा रहे थे गर्भवती महिलाओं को, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब इसे हरी झंडी दी गई है। आराधना जी, हाँ जी, सॉरी आई मिस्ड यू, आपने क्या क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? डॉक्टर आराधना सिंह, मैंने पूछा कि पहले गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण नहीं हो रहा था और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे शुरू किया गया है, तो कई तरह की चिंताएं गर्भवती महिलाओं में भी है, समाज के बाकी लोगों में भी है। कितनी बड़ी चुनौती है कि हम 20 लाख गर्भवती महिलाओं का मध्य प्रदेश में टीकाकरण तीसरी लहर से पहले कर सकें? हाँ जी, ये बहुत ही बहुत अहम सवाल है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके परिवार में और महिलाओं में खुद ये बहुत बड़ा एक डर है कि कहीं हमें वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा उनको एक हिचक है ये वैक्सीन लेने के लिए। हम लोग मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी प्रेग्नेंट महिलाओं का वैक्सीनेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी मेरे जो पेशेंट्स हैं वो लोग गर्भवती महिलाएं ले चुकी हैं वैक्सीनेशन, मगर अभी भी उनको हमें बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि आपके लिए ये बिल्कुल सेफ है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, मेरी सभी से यही अपील है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए, इवन ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सेफ है, और एक बार अपनी महिला डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें और उसके बाद जैसे वो एडवाइस करेंगी आप जाकर वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं, सो दैट जैसे कि अगर अगली कोई लहर आती है तो उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका हो और जिससे कि वो डिजीज़ से बच सकेंगे, COVID-19 इन्फेक्शन होने से बच सकेंगे। तो ये डर अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें कि वैक्सीन लगवाने से मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, आपने सुना डॉक्टर आराधना सिंह कह रही थी कि बहुत सारी भ्रांतियां महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को लेकर के एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है, लेकिन जागरूक कैसे करेगा स्वास्थ्य महकमा? डॉक्टर संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं आता हूं डॉक्टर संजय आपके पास। रेखा शर्मा हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता। रेखा जी, आपने सुना आराधना सिंह जी कह रही थी कि अभी भी बहुत भ्रांतियां हैं और एक बड़ी चुनौती है, लेकिन समाज में ये बदलाव कैसे हो, ये संदेश कैसे जाए कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और गर्भवती महिलाएं चल करके स्वास्थ्य केंद्र तक जाएं टीका लगवाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को टीके लगने के काफी समय बाद टीके लगने अब शुरू हुए हैं, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं तैयारी करके रखी हुई थी। ANM कार्यकर्ताओं को और आशा कार्यकर्ताओं को पहले ट्रेनिंग दी गई कि उनको किस तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर साहिबा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सर मल्होत्रा सर भी जुड़े हुए हैं जी। तो एक डॉक्टरी वे में यदि उनको कहा जाए कि जो भ्रांतियां फैली हुई है, तो सबसे पहले उनको कैसे कन्विंस किया जाए वैक्सीनेशन के लिए, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है कार्यकर्ताओं को, और क्योंकि महिलाओं को कहीं परेशान ना होना पड़े इसलिए जहां उन लोगों का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है या जिसके पास भी चल रहा है, जो भी गायनी के पास में चल रहा है, उनको वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है और प्रॉपर उन लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा कि इनमें क्या दिक्कत आ रही है, और वहीं से फिर उनका यदि कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आती भी है तो वहीं पर जो है गायनी उनका
उपचार भी, क्योंकि केस स्टडी भी पता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का जो है इलाज जो भी चल रहा है, या उनका एक टाइम ड्यूरेशन है कि उनका कितना मंथ है, किस समय पर उनकी कौन सी टेबलेट चल रही है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टेबलेट्स होने हैं, ये एक गायनी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये हमारे भारत सरकार ने ये जो पहल अब शुरू की है, तो ये मुझे लगता है कि बगैर परीक्षण के तो शुरू नहीं हुई हुई है। सभी को, आशा कार्यकर्ताओं को और सभी डॉक्टर्स को पूरा प्रक्रिया होने के बाद में ही ये शुरू किया जा रहा है। और क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये एक वार्ड स्तर से यदि हम जागरूकता लेकर के चलेंगे तो हम ज्यादा जल्दी से जल्दी तीसरी लहर से पहले जो है ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। जी डॉक्टर संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन सकता हूँ डॉक्टर संजय। मेरा सवाल यह है कि देखिए, तीसरी लहर आने में वक्त बचा है कम, और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब हम गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण करेंगे, कैसे आपका विभाग इसे देख रहा है और क्या तैयारियां आपके लेवल पर की गई हैं? क्योंकि एक चुनौती यह भी है कि समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं इसे लेकर के। मैं IEC के पार्ट पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप ये बताएं कि अभी आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए ऐसा है कि हमने ये स्पेशली लेडीज को वैक्सीनेट करने के लिए या उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए जी पिंक बूथ बनाए हैं, और लेकिन अभी ये पिंक बूथ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही बनाए जाएंगे। इसमें हम लोग 18 से 45 एक एज ग्रुप ये रख रहे हैं, और दूसरा बूथ जो होगा जो 45 प्लस के लिए होगा। क्योंकि अभी हमारे पास में इसके लिए बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि सभी महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर जहां कहीं जब कब चाहे वो लगवा सकती है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसके हमें दीर्घकालीन परिणाम की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वैक्सीनेशन के प्रोज एंड कॉन्स और उनके जान का जोखिम जो कोविड से होता है उसको नापने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये वैक्सीन चूंकि काफी सुरक्षित है, तो महिलाएं इसको आगे बढ़कर लगवाएं, इससे सोसाइटी को काफी हद तक राहत मिलेगी। और थर्ड वेव जैसा कि आपने कहा, उसकी तैयारी का ये एक बड़ा हिस्सा है जी। इससे स्पेशली महिलाओं की हेसिटेंसी ओवरकम करने के लिए ये पिंक बूथ लगाया गया है, क्योंकि ये आज भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 40% महिलाओं को घर के बाहर अकेले नहीं जाया जाता, 60% वो ऑनलाइन नहीं होती, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था है, उसमें वो ज्यादा कुछ आराम महसूस करेंगे जी। बिल्कुल संजय साहब, मैं आता हूं आपके पास। शत्रुघ्न दैया, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि जिला स्तर पर ही अभी तक हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, ग्रामीण स्तर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक कैसे आप पहुंचेंगे, कैसे उनका टीकाकरण होगा? दैया साहब, हाँ नमस्कार। हाँ मैंने मतलब हमारी टीम ने पूरा वर्क किया हुआ है, आशा आंगनवाड़ी के माध्यम से लगातार हम कन्विंस भी कर रहे हैं, हमारा 10 प्रोग्राम चल रहा है, एक फॉर्म हमने गूगल शीट तैयार की है, उसमें गर्भवती महिलाओं को बताया भी जा रहा है कोरोना किस तरह आम लोगों के जैसे आम लोगों को प्रभावित करता है, वैसे ही गर्भवती महिलाओं को भी प्रभावित करता है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, इसलिए हमने जो कोमॉर्बिड डिसीज वालों को रखा था, इसी प्रकार गर्भवती महिला भी जिनको तीसरी लहर से बचाना है, तो हमने इसीलिए कोवैक्सीन भी रखा है जिसका ड्यूरेशन 28 दिन बाद है, तो हम चाह रहे हैं तीसरी लहर जो संभावित है उसके पहले ही हम कवर कर ले दोनों डोज, अपनी गर्भवती महिलाओं को दोनों डोज लग जाए, उसके लिए हमने ब्लॉक लेवल में CHC में रखा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में CS है हमारा, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और अपना मैटरनिटी विंग का जो है पिंक बूथ हमारे भी बने हुए हैं, लगातार सभी जगह चल रहा है, उसके माध्यम से हम जानकारी भी भेज रहे हैं सभी को। एक आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारा सुमन डेस्क चलता है, हाँ सुमन डेस्क के माध्यम से भी हम सभी को सूचित कर रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाएं ANC चेकअप करती हैं, जो हमारा टारगेट जो लक्षित है हमारा 56,000 का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का, उनको भी हम लगातार ये बता रहे हैं कि आपको वैक्सीन क्यों जरूरी है उसको, और हमारा एक मोटो भी रहता है वैक्सीन सेफ लाइफ, मतलब वैक्सीन लाइफ को सेव करती है, उसको किसी प्रकार का दुष्परिणाम तो है ही नहीं, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो चाहे अगर हमारी कोई वैक्सीन हो,
और हमारे बहुत दिनों से परीक्षण के उपरांत ही हमको ये परमिशन मिली गर्भवती महिलाओं को लगाने की जी। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सभी तक पहुंचे और गर्भवती महिला जो हमारा कल से प्रोग्राम शुरू हो रहा है सभी लोग आए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, पहले चेकअप होगा गायनी के माध्यम से, उसके बाद उनको लगातार सुमन डैश के माध्यम से लगातार फॉलो अप किया जाएगा। पूरे 9 महीने हमारे रडार में रहेंगे ये, आने वाले समय तक बच्चे होने तक हम उनको पूरी फॉलो अप करते रहेंगे कि किसी प्रकार का दुष्परिणाम तो नहीं हुआ है, वैसे ऐसी संभावना बिल्कुल भी नकारा है जी के बराबर है। लेकिन दैया साहब मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि सीएससी पीएससी पर आप ये व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन महिलाओं में ये शंका होती है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं हो, वहां पर जाएंगी लाइन में नहीं लगना पड़े, इसके लिए भी कोई व्यवस्थाएं आपने की है क्या? क्योंकि ये अमूमन माना जाता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर गर्भवती महिला जाती है तो उनको संक्रमण का खतरा होता है। जी इसीलिए हमने ये अलग से कोविड वैक्सीनेशन के देश के अलावा रखा है, हमने ये मंगलवार और शुक्रवार रखा है जिसमें सिर्फ पीएनसी ही आती है, उनकी ओपीडी अलग ही है, तो उसके लिए हमने बैठने से जो एनसी क्लिनिक है हमारा जिसमें सिर्फ महिलाएं आती हैं और लिमिटेड नंबर रहते हैं जिनको कॉल किया जाता है वो लोग ही आएंगे, और उन लोगों को भीड़ भाड़ से बचाव के लिए हमने अलग से रखा है बूथ जी। लेकिन जी बिल्कुल मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन हमारे पास साथ में डॉक्टर आराधना सिंह लगातार हैं। डॉक्टर आराधना मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि जागरूकता तो बढ़ी रही है और आप लोग भी जागरूकता फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि क्या ये जो टीकाकरण आप कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं का उसमें कोई स्टेज तय की गई है कि इस स्टेज में लगवाना चाहिए, कोई समय सीमा है? क्योंकि अमूमन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 36 सप्ताह बाद जो बच्चे में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। नहीं देखिए ऐसे कोई स्टेज प्रेगनेंसी के सारे ट्राइमेस्टर में कोविड-19 वैक्सीन सेफ है, तो हमें ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जब भी प्रेग्नेंट लेडीज कंफर्टेबल फील कर रही हैं और जब भी वो गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस की लेना चाह रही हैं या वो उनके संपर्क में आ रही हैं और तब वो जल्दी से जल्दी लगवा लें। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है कि इस समय पर लगवाना ज़्यादा सेफ है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लगवा सकते, या आप अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं लगवाने के तुरंत बाद तो आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कराना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो प्रेगनेंसी के सारे ऑल 3 ट्राइमेस्टर सारे जो 9 महीने का टाइम है यह कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है जी। रेखा जी ये समाज तक पहुंचाने की जरूरत है कि जो टीकाकरण है वो बिल्कुल सेफ है। आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये काम कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरह की भ्रांतियां इस वक्त महिलाओं में हैं जिनका आप निराकरण कर सकें? क्योंकि डॉक्टर आराधना सिंह जी हैं हमारे साथ में और वो बताएंगे कि जो भ्रांतियां कोई सवाल आपके हैं जो आपको लगता है कि इस तरह की भ्रांतियां समाज में ज्यादा है महिलाओं की, उनका आप निवारण कर सकें। सर मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रत्येक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि की बात थोड़ा सा लोग ध्यान से सुनेंगे यदि वो बताते हैं तो जी। इसी तरह हम ग्रामों में यदि जाकर के देखें तो ग्राम पंचायत स्तर पर हम जागरूकता का एक कार्यक्रम छोटे छोटे कार्यक्रम करके उनको बता करके प्रशिक्षण जिन्होंने ANM कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने लिया उसके अलावा भी जो वॉलेंट्री अपने आप में आना चाहते हैं, जो महिलाएं आकर के जागरूक करना चाहती हैं, क्योंकि एक तरह से एक हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वैक्सीनेशन अब गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू हुआ है तो वो पूरा होना चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पे वार्ड वाइज अपने जनप्रतिनिधियों को आगे ला करके इसमें इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल ये आपने अच्छा सुझाव दिया और मैं समझ रहा हूँ शत्रुघ्न दैया साहब इस बात को सुन रहे होंगे और साथ ही साथ संजय मेहरोत्रा आप भी सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ कोलैबोरेशन करके उनको साथ लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो भ्रांतियां उनका निवारण कर सकें। मैं माफी चाहता हूं समय नहीं है, और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई संदेश? जी चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर संजय आपका भी, रेखा शर्मा जी आपका भी, शत्रुघ्न दैया आपका भी, डॉक्टर आराधना सिंह आपका भी, और कुल मिलाकर के संदेश यही है कि सभी गर्भवती महिलाओं को समय से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर के टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है, टीका लगवा लें, किसी तरह की भ्रांतियों में किसी तरह की अफवाहों से बचें। नमस्कार।